Welcome to Riyansh Plants and Pots. In today's video, I will talk about those hardy succulents which you can grow easily and they actually can tolerate the higher temperature, like more than 45 degrees Celsius temperature. So the first one is Kalanchoe marniniana. So ye bahut hardy succulents hai. As you know ki Delhi NCR aur pure North India mein bahut garmi hai, to is tarah ka succulent aap bahut aasani se grow kar sakte hain. Mere paas ye kai sare plants hain jinko maine balcony mein bahar bhi rakha hai और यहाँ विंडो में भी रखा है, तो दोनों जगह पर ये बहुत आसानी से ग्रो कर रहा है. कटिंग से और लीव से आप इजीली इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लांट इज होवर्थिया. सो होवर्थिया ये सकुलेंट फैमिली का प्लांट है और इसको आप पप से ग्रो कर सकते हैं और ये हॉट क्लाइमेट को पसंद करने वाला प्लांट है. सो आप यहाँ के वेदर में आप इसको बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हो और ये बहुत मैक्सिमम बहुत हाई टेम्परेचर को सहन करता है. As you can see कि मैंने इनको बैल्कनी में भी रखा हुआ है. नेक्स्ट प्लांट इज दिस एलिफेंट बुश प्लांट. ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है जिसको हम मिनी जेड बोलते हैं. सो मेरे पास मिनी जेड के बहुत सारे प्लांट्स हैं और जेड की बॉन्साई भी है, टोपियरी भी है, और इनको मैंने अपनी वेस्ट फेसिंग बैल्कनी में सेट किया हुआ है जहाँ पर ये 11 बजे के बाद से सनसेट तक 7-8 घंटे की धूप को बहुत ईजीली टॉलरेट कर लेते हैं. तो ये सच में बहुत ही हार्डी सकुलेंट प्लांट है. नेक्स्ट है ये पेंसिल प्लांट. सो मेनी पीपल अज्यूम दिस इज अ कैक्टस प्लांट. ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और ये भी फुल सनलाइट को टॉलरेट करने वाला एक बहुत ही हार्डी सकुलेंट है. और आप देख सकते हैं इसको आप यू कैन ग्रो बाय कटिंग ऑल्सो. नेक्स्ट इज पर्सलेन प्लांट. सो दिस इज अ फ्लावरिंग सकुलेंट प्लांट और ये फुल सनलाइट को एब्जॉर्ब करने वाला प्लांट है. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसका इस पर उससे ये ख़राब नहीं होता. सो इस हार्डी सकुलेंट को आप ज़रूर ऐड करें. नेक्स्ट वन इज ब्रायोफिलम प्लांट. सो वी लोकली कॉल दिस प्लांट अजूबा प्लांट. सो ये प्लांट यू कैन सी कि मैंने यहाँ अपनी बालकनी में एक छोटी सी इस मटकी में लगाया हुआ है और लू बहुत दिनों से चल रही है तो ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहा है. ब्रायोफिलम की जितनी भी वैरायटी होती है, लाइक यू कैन सी दिस इज़ अ पाथरचट्टा प्लांट. सो पाथरचट्टा इज ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ ब्रायोफिलम. सो ये भी सकुलेंट प्लांट होता है और ये भी आप गर्मियों में भी इसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं लीव से, कटिंग से. नेक्स्ट वन दिस इज सेंसिवेरिया स्नेक प्लांट, मदर स्टंक प्लांट. सो आप सबको पता है जो स्नेक प्लांट होता है वो एक सकुलेंट प्लांट होता है. सो मैंने अभी क्योंकि अंदर रखे हुए हैं, बाहर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट ये आउटडोर भी उतने ही अच्छे से ग्रो करता है जितना इंडोर मैंने इसको ग्रो किया हुआ है. स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी है, ड्वार्फ या लॉन्ग वैरायटी, और ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. हाई टेम्परेचर को बहुत ईजिली टॉलरेट करने वाला ये सकुलेंट प्लांट है. नेक्स्ट प्लांट इज दिस एलोवेरा प्लांट. सो एलोए की जितनी भी वैरायटी होती है दे कैन ईजिली टॉलरेट द हाई टेम्परेचर. और NCR या फिर आप ये कह लीजिए कि नॉर्थ इंडिया का जो हॉट क्लाइमेट उसको ये होता है. सो दिस इज ऑल्सो अ हार्डी सकुलेंट. नेक्स्ट वन इज दिस कैलिसिया रिपेंस वैरायटी और ये इस वैरायटी का नाम है टर्टल वाइन. यू कैन से इट इंच प्लांट. सो ये भी एक सकुलेंट फैमिली का प्लांट है. ये भी बहुत हार्डी होता है. ये मेरी बालकनी में ही है और फुल डे की सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. सो ये कुछ हार्डी सकुलेंट्स थे. अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.